बेहतरीन कौरमा है, मज़ेदार। भाई हम यहाँ से आप अंदाजा लगा लें, स्पेशली गुलिस्तान जोर से आए हैं। बाहर खड़ोगे खाओगे? ये लड़का देखो भाई, लड़के को देखो, इतना शौकीन है कौरमे का, बाहर खड़ोगे खा लेगा। वाह भाई वाह यार, जबरदस्त। और रशीद कौरमा खाने के लिए जतन, इतने जतन रशीद कौरमा खाने के लिए। भाई रशीद कौरमा खाने के लिए बहुत जतन करने पड़ रहे हैं, ये देखें भाई। अगर अगर हम इसे कराची का टॉप कौरमा कहते हैं ना, तो कोई वजह है। देखिए दाने दाना, ये देखें, ये आपको दाने नजर आएंगे। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का कौरमा बनाना, दानेदार कौरमा। हर जायके में आपको मज़ा आता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलिम। तो आज हमारी मंजिल है रशीद कौरमा, नाज़माबाद 2 नंबर पे, और कराची का ये सबसे मशहूर कौरमा कहलाता है, क्योंकि कराची में कौरमे के नाम पे या तो धोखा मिलता है या बुना गोश्त। तो हमने कोरंगी हरमैन, कोरंगी जो 1.5 नंबर का कौरमा है हरमैन, तो वहाँ के रिव्यू दिया था, लोगों ने बेहद पसंद किया और उन्होंने कहा यार आपने रशीद कौरमे की तारीफ की, तो वहाँ जाकर दोबारा से रिव्यू दें। मैंने बहुत पहले अर्से पहले खाया था, बहुत मज़े का होता है ये, लेकिन जो महंगाई होती गई है और ऐसी बातें कुछ अर्से के बाद जायका भी तब्दील हो जाता है, तो जायका वैसे ही है जैसे हम पहले खाते थे, या इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। तो आप अंदर चलते हैं और बनवाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका जायका कैसा है, और लोगों से भी बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाई, तो हम अंदर आ गए और मसला ये है कि यहाँ पर डाइनिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, टेक अवे। तो ये बात दिमाग में रख लें कि अगर आप खाने के लिए आ रहे हैं तो या तो उसको टेक अवे ले लीजिएगा, या यहाँ से लेकर आसपास में जो होटल है वहाँ बैठकर खा लीजिएगा। और बहुत सारे लोग यही करते हैं, या तो घर ले जाते हैं या आसपास के जो आसपास के होटल हैं वहाँ पर ले जाकर इनका कौरमा खाते हैं। कौरमा इनका बहुत मशहूर है यार माशाल्लाह से भाई, और टेक अवे में चल रहा है, और डाइनिंग तो खोलने को राजी भी नहीं हमने, बहुत पुराना है, मतलब ये पाकिस्तान बनने के लगभग यहाँ से बिक रहा है यहाँ पर। अच्छा भाई देखिए, कौरमा नहीं होता बल्कि इनके पास बहुत सारे कोफ्ते हैं, इसी तरीके से कढ़ाई है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर है दाल वगैरह भी इनके, जो सबसे मशहूर है वो है इनका कौरमा। ये बीफ है, ये चिकन है, ये पाया है। अच्छा अच्छा, चिकन नहीं होता, चिकन बराबर में, चिकन बराबर में भाई। क्या पाव भाई वैसे, ये 350 रुपये पाओ? वाह भाई वाह। अच्छा बताइएगा लोकेशन क्या है, टाइमिंग क्या होगी आपकी? और सुबह 9 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक। रात 1:30 बजे तक। लोकेशन क्या है इसकी? नाज़माबाद नंबर 3। नाज़माबाद 3 ठीक है। तकरीबन 70 साल हो गए। 70 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी 70 साल पहले कितने का था और अब कितने का हो गया? वो महंगाई तो वक्त के हिसाब से उस टाइम पे तो 8-10 रुपए का हुआ करता था कौरमा, और अब कितने का हो गया? अभी सिंगल कौरमा 220 रुपए का, 220 रुपए, 1300 रुपए किलो है। अब देख कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके खाने के लिए? पूरे हैदराबाद से आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं लोग। हाँ, और ये बताएं कि डाइनिंग बंद कर दिया आप लोगों ने, मतलब फर्क नहीं पड़ता कारोबार में माशाल्लाह? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लोग दूर दूर से आते हैं। और जो लोग आते हैं डाइनिंग वाले कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? तो वहाँ ऑनलाइन का भी काम है हमारा, ऑनलाइन ऑनलाइन किस तरह, क्या नंबर होता है ऑनलाइन के लिए? नंबर है हमारा, व्हाट्सअप नंबर है। और कहाँ का डिलीवरी करते हैं आप लोग ऑनलाइन में? डिफेंस वगैरह, फिलिप्टन, पूरे कराची में तक, पूरे कराची करते हैं। अच्छा दोस्त, ये आए हैं भाई, देखिए पार्सल का इंतजाम है यहाँ पर, टेक अवे। तो दोस्त ये बताओ कि पहले भी लेकर गए हो? जी बिल्कुल, पहले लेके गए। कैसा लगता है? बेहतरीन कौरमा है, मज़ेदार। भाई हम यहाँ से आप अंदाजा लगा लें, स्पेशली गुलिस्तान जोर से आए हैं लेने। जी जनाब, लेने आए हैं, पार्सल भी लेके जाना बिल्कुल। तो यही कहीं बैठ के आपस आते हो? नहीं नहीं सर, जोर जाएंगे। थैंक यू सो मच। बैठने की जगह नहीं है भाई, ये भाई भी बैठने के लिए आए, बैठने की जगह नहीं है, खड़े होके खाएं ये, बाहर ले जाएं। क्या बाहर खड़ोगे खाओगे? ये लड़का देखो भाई, लड़के को देखो, इतना शौकीन है कौरमे का, बाहर खड़ोगे खा लेगा। वाह भाई वाह यार, जबरदस्त। अच्छा भाई, तो नुमान भी हमारे साथ है, ये हमारे आज के दोस्त हैं यहाँ पर। नुमान भी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो भाई टेक अवे है या डाइनिंग नहीं है? लोगों बड़ी परेशानी है, लोग बहुत चाहते हैं कि आकर यहाँ खाना खाएं, बड़ी दूर दूर चाहते हैं, मगर लोगों जब पता चलता है यहाँ डाइनिंग नहीं है तो बड़ा। अच्छा अभी 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 आप क्या कर रहे वाले हमें खिलाने के लिए? प्लेट भी कहीं और से लेकर आओगे? तो प्लेट लेने जा रहे हैं बेचारे, उसको बोला है मुमताज़ नहारी वाले को, दादा मन किया है, वो हमें जगह दिए बैठने की, आप उससे एक नहारी लेंगे, एक यहाँ से कैनमे कौरमा लेंगे, फिर बैठ कर खाएंगे। फहीम भाई इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर हो गई। और प्लेट लेकर आओगे? प्लेट लेकर आएंगे, प्लेट लेकर। तो भाई देखें, ये हमारे नुमान भाई हैं, और ये देखें प्लेट लेकर आए, और ये देखें ये बाउल लेकर आ गए निहारी का, क्योंकि इनके पास तो होता नहीं है। ये देखें भाई, ये अब खाली लेके जाएंगे, इसको भरवा के लाएंगे। लाए ना भाई। तो भाई देखें ये दे दे भाई, इसमें डाल दीजिए कि हम लेकर आ गए अपनी प्लेट भी, हम अपनी प्लेट भी लेकर आ गए। और बोलो यार। तो भाई ये चिकन है, ये पाया है, और ये है इनका मशहूर सबसे बीफ कौरमा। ये देखें भाई, हम अपनी प्लेट भी लेकर आ गए। और बोले सर,
हाँ सिंगल दे दे, सिंगल ले ले, सिंगल है, न्यारी भी है ना। वाह जी वाह, तो भाई हम अब लेके जा रहे हैं सामने और रशीद कोरमा खाने के लिए जतन, इतने जतन रशीद कोरमा खाने के लिए, भाई रशीद कोरमा खाने के लिए बहुत जतन करने पड़ रहे हैं। ये देखें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई हमने फाइनली हम कोरमा लेने में कामयाब हो गए और ये हमारे बड़े अच्छे फोटो जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह। नुमान भाई कैसे हैं आप? भाई नुमान भाई ने बड़ी मेहनत की, वरना हम होते तो हार जाते हिम्मत। तो नुमान भाई आपने पूरे दिन हमें गर्मी की वजह से परेशान किया, परेशान किया हुआ खाना है। देखें भाई, ये देखें भाई, ये आपकी गर्मी की वजह से बड़ा जतन करना माशाल्लाह। भाई देखें, ये देखें, ये कोरमे में ज़रा तीरा शीरा देखें, ज़बरदस्त तरीके से होता है ना, प्रॉपर कोरमे का कलर नज़र आ रहा है, निखर कर रिचनेस नज़र आ रही है, रिचनेस है टेक्सचर, अरोमा बहुत प्यारा है भाई। बिस्मिल्लाह, यार वाकई अगर अगर हम इसे कराची का टॉप कोरमा कहते हैं ना तो कोई वजह है, प्रॉपर कोरमे का स्टाइल है जो मतलब जो बनाते हैं ना बाबर शादियों के अंदर। ये हरमैन खाया था मैंने, लेकिन मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, हरमैन इसकी टक्कर का है, मगर इससे अच्छा नहीं है जो कोरंगी में हमने बनाया है। ये वाकई कोरंगी कराची का सबसे बेस्ट कोरमा है, नो डाउट। ये देखें दाने दाना, ये देखें ये आपको दाने नज़र आएंगे, ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का कोरमा बनाना, दानेदार कोरमा, और हर जायके में आपको मज़ा आता है। हर जायके के बाद फिर निवाले के बाद दिल जाता है एक और निवाला। उस वीडियो को हम बस इंतजाम करते हैं, जरा ये आखिरी बोटी है, बोटी के साथ देखें, ए बोलने वाली बोटी है, वोश प्रॉपर गलावा, ये देखें रेशा रेशा हो गया भाई। तो ये बैठी बात है बीफ, वो तो बीफ का रहेगा खुद इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना मज़ा करता है बीफ बढ़ता, इतना चाहता है कि वो आप जब इसमें खाते हो कोरमे के साथ तो वो इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है, इतना इन्हेंस होता है बीफ जाके इसके साथ, बड़ा अच्छा मज़ा आता है, मैंने इतना सुपर सुपर जायका हो जाता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया भाई इस कोरमे को खाकर, और दिल चाह रहा है खाते रहूँ। तो हम वीडियो का इंतजाम करते हैं, आप भी आइएगा नाजाबाद 2 नंबर, गूगल लोकेशन इसकी डाल देंगे हम। और हाँ, बैठने के लिए जगह नहीं है, अगर आप टेक अवे लेने के लिए आ रहे हैं ठीक, अगर आपने बैठ कर खाना है तो किसी से आप दरख्वास्त कर लें, आसपास के होटल हैं या न्यारी मंगा लें आसपास जितने हमने किया है, तो आप बैठ के खा लें। अल्लाह हाफिज़।